हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं हम एक दमदार वीडियो लेके। दमदार मतलब दमदार, आपके बहुत ही बेनिफिट की, फ़ायदे की होगी। दोस्तों, क्या है कि जब आप ब्लॉग पर पोस्ट लिखते हैं, जब आप ब्लॉग पर पोस्ट के अंदर कोई इमेज डालते हैं, तो उसके अंदर टैग लगाना कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है भी या नहीं, आज की वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धर्मवीर तोमर और स्वागत है आपका हमारे चैनल, आपके अपने चैनल हर एक जानकारी में। आज हम एक बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन उस वीडियो में देंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। जानकारी क्या होगी दोस्तों? जानकारी होगी टैग के लेके, जानकारी होगी टैग को लेकर। टैग जो आप अपनी पोस्ट में, अपनी इमेजेस में लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जब भी आप पोस्ट लिखते हैं, जब भी आप पोस्ट के अंदर इमेजेस लगाते हैं, आपको पता होगा उसमें टैग जरूर डालते हैं, टैग जरूर लगाते हैं। बहुत से लोगों को तो पता नहीं होगा टैग क्या होता है और कैसे लगाते हैं, तो ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे टैग कैसे लगाते हैं और टैग में कहां से सर्च करके वर्ड्स डालने चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि क्या पोस्ट में टैग लगाना ज़रूरी भी है या नहीं। दोस्तों, पोस्ट के अंदर टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट के अंदर हेडिंग बनाते हैं, सब हेडिंग बनाते हैं, H2, H3 भी बनाते हैं और बीच बीच में कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स आपकी पोस्ट की सर्चिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, पोस्ट की सर्चिंग में उससे भी ज़्यादा हेल्प करते हैं टैग वर्ड्स। जो आप अपने टैग में पोस्ट में डालते हैं, वो सर्चिंग में उससे भी ज़्यादा हेल्प करते हैं, SEO में बहुत हेल्प करते हैं। आप टैग के अंदर जो वर्ड्स डालते हैं, वो सर्चिंग के वर्ड से मैच करके आपकी पोस्ट को रैंक करके फर्स्ट पेज पर लाते हैं। आपने अपने टैग में फिर 10 या 5 ऐसे टैग वर्ड्स डाल रखे हैं जो सर्चिंग के टाइम उसको मैच करते हैं, तो आपकी पोस्ट को गूगल झट से सर्च में ले लेता है। आपकी पोस्ट लिखी है, उसके रिगार्डिंग, उससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको टैग बनाइए। दोस्तों, टैग आपकी पोस्ट को सर्चिंग में, रैंकिंग में हेल्प करता है। जो भी टैग आप डालते हैं और जब बंदा सर्च करता है, वो आपके टैग से मैच करता है, तो पोस्ट होती है सर्च में रैंक। ऐसे ही आप जब इमेजेस लगाते हैं दोस्तों, जब आप अपनी पोस्ट लिखते हैं उसमें इमेज लगाते हो, इमेज में भी टैग लगाना चाहिए। इमेज की टैग भी SEO की पार्ट होती है, इमेज की टैग भी बहुत बड़ा पार्ट होती है SEO का। SEO मतलब पोस्ट की सर्चिंग में, कीवर्ड्स में, ये इमेज की टैग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, आपको जैसे अपनी पोस्ट में टैग लगाने हैं, उसी तरीके से इमेज में टैग। अब इमेज में इतने नहीं है 2, 4, 6, 10 टैग लगाने हो, नहीं, इमेज में केवल एक टैग लगाना है। आपकी इमेज आपकी पोस्ट के हिसाब से टैग लगी हुई होनी चाहिए। आपने जो पोस्ट बनाई है, उसका मेन कीवर्ड्स है, वो आपकी इमेज में टैग के रूप में होना चाहिए। अगर आपने 3 इमेजेस बनाई हैं, तो आपके 2-3 मेन कीवर्ड्स उस इमेजेस में टैग के रूप में ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस SEO में बहुत काम आता है। आपके पोस्ट का ऑन पेज SEO इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों, ये थी अहम जानकारी टैग को लेकर। आप अपनी पोस्ट में टैग जरूर लगाइए,
इमेजेस में टैग जरूर लगाइए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको हम देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, वो होगी टैग कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा आपका फ़ायदा, आपको आने वाली वीडियोज़ की मिलेंगी नोटिफिकेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आने वाली हैं आप मिस नहीं करेंगे। अगली वीडियो आपको मिलने वाली है धमाकेदार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर मतलब फैला दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका खूब सारे प्यार के लिए।